तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 24 अप्रैल 2024 को एमपी बोर्ड की परीक्षा 10वीं 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपना गूगल ओपन करते हैं, आप लोगों को वहाँ पर सर्च करना है mpbse.nic.in 2024। जैसे ही दोस्तों आप ये लिखकर सर्च करते हैं, आपके सामने एक नया वेबसाइट ओपन हो जाती है जिस पे आपको एक क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पेज खुल के आ जाता है जिसमें आप लोगों को कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर साइड में इम्पोर्टेंट नोटिस पर क्लिक कर देना है। किसी किसी के में ये नोटिस नहीं आता है तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इम्पोर्टेंट नोटिस का फोल्डर अपने आप खुल जाएगा। तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएंगे जिसमें ही आपको अपने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की लिंक मिल जाएगी। अभी दोस्तों रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पर लिंक नहीं आ रही है। जैसे कि मैं आपको पिछले साल का बता दूं कि जब रिजल्ट आया था तब आप वहाँ पर कहाँ दिया गया था, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कक्षा 11वीं 12वीं में विषय संबंधी त्रुटि सुधार की सुविधा प्रदान करने संबंधी यहाँ पर ये रिजल्ट था, और भी रिजल्ट दिए गए हैं आप लोग देख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा सबसे ऊपर आपको एक लिंक देखने को मिलेगी जिस पे आप लोग क्लिक कर देंगे और वहाँ पर अपना रोल नंबर तथा अन्य जानकारी भरकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।